तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 116 को। अब तक आप सभी लोगों ने जितने भी एपिसोड देखे होंगे अगर आपको वह पसंद आए हैं तो ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड और सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं दिखाया जाता है कि हाउ के डॉट उसके पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हाउ उसे बताने लगता है अपने डैड को कि ये लड़की मेरी क्लासमेट है और ये मुझसे मिलने आई है शायद। तभी हाउ यूएया के पास जाता है और उसे पूछ लगता है, यूएया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यूएया कुछ अपने हाथों से निकालती है और उससे कह लगते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी और तुम्हें मैं ये इसलिए कुछ किसी जगह पर ले जाने के लिए इनवाइट करने के लिए आई थी। जैसा कि तुम जानती हो कि जो मेरी आंट थी वो आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है उनके यहाँ पर, तो मैं बस तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना चाहती थी और पूछने आई थी कि तुम साथ में चलोगे मेरे। और उसके जो मॉम डैड होते हैं, तभी उसके डैड ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम से कह लगते हैं, इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की हमारे हाउ के पीछे पड़ी हुई है। तभी उसकी जो सेकंड मॉम होती है वो उससे कह लगती है, कोई दूसरी साथी हुई है ना इसकी तो समझ जाओ। तो उसकी जो मॉम होती है हाउ की वो उससे कहने लगती है कि आजकल के जो लड़के लड़के लड़कियां हैं वो आगे बहुत ज्यादा ओपन हो गए हैं, वे लोग तो डायरेक्टली पूछने आ जाते हैं कहीं पर भी। लेकिन दूसरी तरफ जो सिस्टर क्वीन की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली होती है, उसका चेहरा देखने से ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग जाता है। और तभी हाउ सभी को यूएस से इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कह लगता है कि मैं तुम्हें सभी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और कह लगता है कि ये मेरे फादर है, ये मेरी मदर है, ये मेरी सिस्टर है। और जैसे ही इसको पता चलता है यूएया को ये इसकी फैमिली मेंबर्स है तो इसके दिमाग की बत्ती जलती है और सर झुकाकर सभी को हेलो कहती है और उससे कह लगती है, आपको इस तरीके से अचानक से यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर रही है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, मेरा पूरा नाम मिन यूएया है। और काफ़ी पोलाइटली अच्छी तरीके से बात करती है उसके पेरेंट्स से। तभी उसके पेरेंट्स भी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करते लड़की को देखते हैं तो उसके डैड उससे हेलो कह देते हैं और उसकी मैम कह लगती है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज़्यादा पोलाइट है। दूसरी तरफ जो यूए होती है वो मन में सोचते हैं, कह रही होती है कि जो अंकल बटलर ने मुझे लव एडवाइस दी थी वो वाकई में यहाँ पर काम आने में लगी हुई, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुम किसी लड़के का पीछे करना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर अच्छा इंप्रेशन देना होगा और तुम्हें सबसे खुद जाकर इनिशिएटिव लेना होगा। तभी उसकी जो सिस्टर होती है हाउगी वो यूए के पास आती है और उससे कहने लगती है, तो तुमने नाम अपना क्या नाम बताया, तुम्हारा नाम मिन यूए है, अच्छा तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे जांघाओ को पसंद करती हो और तुम मुझे डेट करना चाहती हो क्या। और दोनों के बीच में वाला गुब्बारों वाला कंपटीशन चालू हो जाता है और उसका रिजल्ट तो आप खुद ही देख सकते हो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला उसको। तभी जो यूए होती है वो बड़ी छाती तान कर उससे कह लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जांघाओ को पसंद करती हूँ। ये बात सुनने के बाद जांघाओ भी कभी शौक हो जाता है, उसके पंजे छूट जाते हैं, उसके मॉम और डैड भी कभी शौक हो जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है भाई, ये तो कुछ गलत डायरेक्ट नहीं हो गया। तभी उसकी सिस्टर उससे कह लगती है कि मैं तुम्हें पहली बात पहले बता देती हूँ कि तुम कभी भी, इतना कह ही पाई होती है कि वो तुम कभी भी, लेकिन उसके डैड बीच में डिस्टर्ब कर देते और चिल्लाते उससे कह लगते हैं, हाँ मैं तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम 20 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। ये बात सुनने के बाद हाउ भी कभी सफराज हो जाता है और उससे डरते हुए कह लगता है, नहीं डैड ऐसी बात नहीं है, यूएया ने अभी अभी अपनी हाई स्कूल की स्टडीज को स्टार्ट किया है और उससे पहले इसके घर पर ही इसके टीचर से पढ़ाया करते थे, इसलिए यूएया का जो कॉन्टेक्ट था बाहर की दुनिया से वो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण इसे दूसरों से बातें करने का थोड़ा अंदाजा वगैरह नहीं है किस तरह की दूसरे से बात की जाती है। और जब मुझे इसके बारे में ये बात पता चली तो मैंने यूलोंग से कह दिया था कि वह इसकी मदद करे कि किस तरह की दूसरे से बात की जाती है और इस बात के लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल थी हमारी, ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमारे बीच में कोई भी प्यार व्यार का चक्कर नहीं चल रहा है और ये मुझे उस तरीके से पसंद नहीं करती है। तभी उसके डैडी ये बात सुनने के बाद उससे कह लगते कि तुम जैसी गोस्त जैसी स्टोरी मुझे सुनाने में लगी हो तो मैं लगता है कि मैं इसमें विश्वास कर लूंगा, आखिरकार तुमने मुझे समझ के रखा है बेवकूफ। तभी उसके डैड यूए के पास आते हैं और उससे कह लगते हैं, क्लासमेट मिन यूए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे बच्चे यानी कि मेरे बेटे को पसंद करती हो, लेकिन मैं अपने हावाओं को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वे हाई स्कूल में ही प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाए, तो मुझे पसंद कर सकती हो लेकिन तुम इस तरीके से उसका पीछा नहीं कर सकती। तभी जो हाव होता है वो यूए से कह लगता है, यूए मेरे आज रिलेटिव घर पर आने वाले हैं तो ये कुछ ठीक नहीं चल रहा है, माहौल वगैरह गर्म हो रखा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम बाद में मिलकर बात करेंगे। और वो डैड से कहने लगता है, डैड क्या हमें अभी भी आंट को पिकअप करने के लिए नहीं जाना है क्या, लेकिन भाई इसके डैड तो कभी नखरे दिखाने लगे बहुत ज्यादा और इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हमें यूएया को दिखाया था यूएया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके डैड क्या कह रहे हैं, उसके डैड ने कहा था कि उसके प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, लेकिन उसे तो प्यार का मतलब पता ही नहीं है और वो टोटली कंफ्यूज होती है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है उससे कह लगती है, हाँ तुम प्यार वगैरह कर सकते हो दूसरों के साथ लेकिन हमारे हवाओं के साथ नहीं। लेकिन हवाओं का दिमाग वैसे खराब हो रहा होता है और वो कह लगता है, डैड मॉम आखिरकार आप लोग क्या सोचने में लगे हुए हैं, तुम्हें पता ही है कि मैं अभी हम दोनों के दोनों बच्चे तो आखिरकार प्यार वगैरह के चक्कर में कैसे पड़ सकते हैं, झूठ बोल रहा है साला, अब जल्दी से चली भी जाओ आंट को पिकअप जो करना है। तभी सिस्टर को उससे कह लगती है, डैड मॉम ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ दो मैं इसको संभाल लूंगी, और वो मिनी हुईया के पास जाने लगती है और मॉम से कहने लगती है कि आप लोग जा सकते हो आंट को लेने के लिए, मैं इसको संभाल लूंगी।
तभी उसकी माँ मुझसे कहने लगती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहूंगी। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है यूया के पास जाती है और उससे कहने लगती है हे लिटिल सिस्टर। जब लोग हमें चलते हैं तभी जैसे ही वो जाते हैं वो देखती है कि जिस तरीके से उसकी सिस्टर क्वीन यानी कि इसकी बेटी बात करने में लगी है यूएआ से, तो वो अचानक से कुछ याद आता है, दिमाग बत्ती जल जाती है और वो शौक हो जाती है कुछ सोचते हुए और मन में सोचते कह लेते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। तापि हमें जो उसकी सिस्टर होती है जो की सिस्टर क्वीन होती है यूएआ के बहुत 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 क्लोज आ जाती है, उससे कह लगती है क्लासमेट यूएआ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। और जैसे ही वो उसके इतने ज्यादा नजदीक आती है तो वो उसकी स्मेल सूंघ लेती है और कह लगती है ये स्मेल। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी जो मॉम होती है जब उसकी बेटी को अपने मतलब आने के इस क्वीन क्वीन को यूएआ के इतने ज्यादा नजदीक जाती है और देखती है तो वो कहीं शौक हो जाती है और कहने लगती है मन में सोचते कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ये लड़की इस छोटी लड़की की प्यार में तो नहीं पड़ गई है, क्योंकि तो आपने पिछले एपिसोड जिन्होंने भी देखे होंगे उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों कह रही है ये, और जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको वह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तभी जो सिस्टर क्वीन होती है मिनी यूएआ के पास आती है और उसका मुंह पकड़ती है, उसको दोनों को इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग यहाँ पर रोमांस खेल रहे हैं। और जब उसकी मॉम इस तरीके से उनको हरकतें करते हुए देखती है तो मन में सोचते कह लगती है कि सोचते हुए कह रही होती है कि जो सिस्टर क्वीन है वो यूएस से कह रही है कि तुम्हें हाव के प्यार में पड़ने के चक्कर में नहीं है, आखिरकार तुम्हारी सिस्टर अभी मौजूद है तुम मुझसे कर लो। और उसकी मॉम मन में सोचते कह लगती है इसको देखने के बाद जांग क्वीन तुम ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चलने में लगा हुआ है, लेकिन इसे सच में नहीं पता कि आखिरकार इसके मन में क्या चल रहा है वैसे तो। और तभी मैं सिस्टर क्वीन का यानी कि जांग क्वीन का हाथ गर्दन से जो ड्रेस होती है ना उसे पकड़ती है उड़को और खींच कर ले जाती है, उससे कह लगती है आज तुम मेरे आंट से मिलने वाले हो जल्द से जल्द, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम मेरे साथ चलोगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हाउस यूएस से कह लगता है कि तुम्हें आज जाना होगा, आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा बिजी मेरे लिए और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और इनकन्वीनियंट है। और जो यूए होती है उससे कह लगती है अच्छा ऐसी बात है तो हम बाद में मिलते हैं जंगा। और वो जंग हाउ के डॉड मैम और मॉम डैड और सिस्टर से अपना सर झुकाकर उससे गुड बाय कहकर जाने लगती है। और उसकी जो मॉम होती है वो उसको देखकर कहने लगती है कि ये जो लड़की है वो आके बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है लेकिन कुछ ज्यादा ही पोलाइट नहीं है ये। और उसका डैड कहने लगता है हाव का, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ अनयूजुअली सूटर है भाई हाव का। और दूसरी तरफ जो सिस्टर क्वीन होती है वो इसकी स्मेल लेने के बाद यानी कि कभी भाई नछड़ी लग रही है ऐसा लग रहा है, और जो यूया की स्मेल लेने के बाद कह लगती है कि ये स्मेल इसकी नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई दूसरी वुमन भी है जो कि जांग हाव के काफी ज्यादा क्लोज है, आखिरकार वह लड़की कौन है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रही होती है सिस्टर क्वीन और कहने लगती है हमें हाव से अकेले मिलकर बात करनी होगी आखिरकार इसका मैटर क्या चल रहा है। तभी नेक्स्ट टाइम हमें ट्रेन स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उसके जो डैड होते हैं वो कह लगते हैं सिस्टर मैं यहाँ पर हूँ। और तभी जांग हाव अपने जैसी कजन को देखते हैं तो वो कभी शौक हो जाता है और यहाँ पर उसके डैड की सिस्टर होती है वो बाहर आ जाती है और उससे कह लगती है तुम यहाँ पर आ गए। और भाई जांग हाव का जो कजन होता है वो पीछे से आ रहा होता है कहीं लड़कियों जैसे दिख रहा होता है लौंडा तो, और वो काफी ज्यादा कमजोर और उसकी हालत भाई क्या ही बोलो ऐसा लग रहा कुपोषण का शिकार हो गया हो। और वो कह लगता है मॉम जरा मेरा इंतजार तो कीजिए आखिरकार इतनी ज्यादा फास्ट के दौड़ रही हो आप। दूसरी तरफ जांगा होता है अपने कजन को देखने के लिए कह लगता है गॉडेस से हे गॉडेस मेरे कजन को मुझे वापस करो मैं इस तरीके से उसे नहीं देख सकता। दूसरी तरफ उसका जो कजन है वो काफी थक चुका होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चलो चलते दूसरे वीडियो पर नेक्स्ट पार्ट फटाफट से, इस वीडियो में इतना ही जाइए कमेंट में लिख मिल जाएगी आपको। बाय बाय।